कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में टाइल्स ठेकेदार की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में परिजनों और टाइल्स यूनियन ने मुआवजे की मांग की और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मृतक का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। सूचना के बाद भारी पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि देवाशीष सिटी टाउनशिप के सेल्स हेड ने टाइल्स ठेकेदार मनीष शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। बोरखेड़ा थाना इलाके में देवासी सिटी के अंदर मनीष शर्मा निवासी करौली व्यक्ति का मर्डर हुआ, जिस पर थाना बोरखेड़ा में प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें मनीष अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने, जो कि आशीष ग्रुप में काम करता था, उसके द्वारा यह मर्डर किया जाना पाया गया। उसकी टीमें लगाई हुई हैं, तलाश की जा रही है उसकी। चूँकि मनीष शर्मा के परिजन आए थे, उन्होंने अभी पोस्टमार्टम नहीं कराया है और अभी मौके पे फिलहाल शांति बनी। मैं मनीष का भाई हूँ, छोटा। वहाँ तुतुमें हुई थी, उन्होंने को भाई को बुलाया, वो हमारा पीटी करी थी उन्होंने, चाकू से उन्होंने हमला किया था। और मनीष अग्रवाल, सुधीर और वरुण, ये तीनों ने उनको धमकाया और मारा पीटा। हमारी मांग 1 करोड़ की, हमारी मांग पूरी करो और हम उनकी छोटी छोटी जो 3 बच्ची हैं उनकी पालन पूरन पूर्ति के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने बुलाया था ऐसे ऑटोमेटिक, मतलब अंदर क्या बात हुई थी उसके बाद, मतलब काम मामले में कि पैसे लेन देन की बात थी, पैसे वैसे कोई बात थी, अंदर उन्होंने धमकाया उनको, पहले गाड़ी में ले जाकर ले जा रहे थे। आपकी क्या मांग उठाएंगे? नहीं बोली जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। हां, जब तक पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे यहां से।